यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकॉन, लाइक कमेंट शेयर। द्रोह साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उन्वान है हालात हाजरा में उम्मत का तहफ़ क्यों और कैसे, इसका असल मकसद क्या है? देखिए, जमात इस्लामी तो वैसे बहुत सारे शोबों में दावत है, इस्लामी माशरा है, हिंदुस्तानी समाज है, क़याम मतलब किस्त है, खदमत खल के वगैरह, ये सारे शोबों में काम करते आ रही हैं। लेकिन पिछले 4 सालों में इस शोबे को जो है अहमियत दी गई, इसको क्लिक किया गया, और उसकी वजह भी यही रही कि जो हालत हाजरा हमारे सामने है, लवजहाद के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोकशी के नाम पर, फसादात के नाम पर, जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उनको कलमे कुफ्र तक पढ़ने के लिए आमादा किया जा रहा है, और जो है उनको मुख्तलिफ मकामात पर जो है सताया जा रहा है, उनके हौसलों को पस्त किया जा रहा है। जमात ने इस सिलसिले में सोचा कि जमात उम्मत को मुत्तहिद करे, उनका मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म हो, उनका मिल्ली फोरम बनाया जाए, उनका मुत्तहिदा महाज बनाया जाए, और उनको जोड़कर उनको हिम्मत और ताकत दी गई इन मौजूदा हालात के अंदर मुसलमानों को खासतौर से इस सिलसिले में तवज्जो की जाए कि इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम इसके मेन स्ट्रीम के अंदर दाखिल हों, चाहे हमारा तालीम का शोबा हो, या हमारा मईशत का मामला हो, या हमारी पॉलिटिक्स का मामला हो, हमारे लोग के भी इसके अंदर आगे आएँ और वो जो है अपना रोल इस मुल्क की तरक्की के अंदर अदा करें, ताकि यहाँ के रहने वाले जो है वो हमको कुछ अलग कम्युनिटी न समझे, बल्कि इस देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरह मुसलमानों ने हिस्सा लिया, दीगर जाति जमाती ने हिस्सा लिया, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ का कोई पर्टिकुलर जो तबका है, जो पर्टिकुलर जो सोच है, वो इस मुल्क को दूसरी रुख पे ले जा रही है, यहाँ मुनाफरत पैदा कर रही है, यहाँ की जमहूरियत को जो है इन लोगों से ख़तरा है, यहाँ जो लोग चाह रहे थे कि इनके ज़रिए से विकास होगा, तरक्की होगी, लेकिन वो लोग जो है आवाम का विनाश कर रहे हैं, गुर्बत को बढ़ा रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने मुसलमानों को निशाने पर लिया है और हमारे बिरादर में वतन के नौजवानों को बरगलाया है। उन्होंने अपनी वोट को और अपनी सियासत को हिंदू मुस्लिम बना दिया है, उन्होंने ईदगाह कब्रिस्तान बना दिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया है, मस्जिद और मंदिर बना दिया है। इस इशू को छेड़कर यहाँ के नौजवानों के दिलों के अंदर उन्होंने ख़राबी पैदा कर दी है, नफ़रतें पैदा कर दी है। इसलिए उम्मत से हमें कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, 134 करोड़ का मुल्क है, और इतनी बड़ी आबादी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम उम्मत को इस मामले पर भी मुतवज्जे करना चाहते हैं कि बरसा बरस बीत गए, उन्होंने यहाँ जो दावत का काम करना चाहिए था, अपना दायियाना रोल अदा करना चाहिए था, यहाँ के लोगों का एतमाद हासिल करना चाहिए था, यहाँ की फ़ज़ा को हमवार करना चाहिए था, यहाँ के तालीमी मैदान में, मईशत के मैदान में तरक्की करना चाहिए था, और उन लोगों को भी जो बिरादर वतन के अंदर मसाइल के अंदर मुब्तला हैं, उनके मसाइल को भी हल करने की कुव्वत अपने अंदर पैदा करना चाहिए थी। वो उम्मत जो है इस काम को बरसा बरस से नहीं कर सकी, लिहाजा हम एक नए अज़्म और हौसले के साथ उम्मत को इस तरह मतवजे कर रहे हैं कि अपने तलबा और नौजवानों को बेकार वक्त ज़ाय करने से बचाएँ, उनकी सलाहियतों को समेटें और उसको कारामद बनाने के लिए अपना वक्त लगाएँ। सरपरस जो है, असातिज़ा जो है, मिल्लत के जो दानिश्वर हैं, जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, वो आपस के अंदर तालमेल करें, इख्तलाफात को ख़त्म करें। अगर कुछ मख्तलिफ फ़िक्र के लोग मख्तलिफ होते हैं, मसालिक के लोग मख्तलिफ होते हैं, ठीक, अपनी मसाजिद के अंदर, अपने मसलकों के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मैदान के मसाइल है, जहाँ मिल्लत परेशान है, बदहाली का शिकार है, औकाफ के मामले हैं, ज़मीनात के मामले हैं, उस पर जो है बिल्डर लोग जो हैं, ये मसल पावर, मनी पावर, उसकी ताकत की बुनियाद पर अल्लाह की जायदादों पे कब्ज़ा किए हुए हैं, वो जायदादों के अगर हम अगर हासिल करते हैं तो मिल्लत का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, गरीबों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तलबा नौजवानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि इनका मुकाबला करने के लिए एक बड़ी ताकत, एक बड़ी कुव्वत उम्मत से जो है
हमको मिलना चाहिए ताकि उम्मत इस कार खैर को भी अंजाम दे, दावत इस्लामी का फरीज़े भी अंजाम दे, हमारे बिरादर वतन की गलत फहमियों को भी इजाला करें, उनकी नफरतों को कम से कम करें। हमने पिछले दिनों एक मुहिम बनाई अंधेरे से उजालों की तरफ, तो यहाँ की जो अक्सरियत है, यहाँ के रहने वाले की जो अक्सरियत है, वो शरीफ है, वो सज्जन है, वो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, हमारी बातों पर तवज्जो देना चाहते हैं, हमारी मस्जिद पर इसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारे कुरान मजीद को लेते हैं, पढ़ते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि शराफत भी ज़िंदा है, सदाकत भी ज़िंदा है। तो ऐसे लोगों तक भी पहुँचने के लिए उम्मत का एक बहुत बड़ा जो है कैडर अगर हमको मिलता है तो ये पूरी कुव्वत से काम होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आज शरीफों की तादाद जो है ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मसला ये है कि शरीफ लोग किनारों पर खड़े हुए हैं, दानिश्वर किनारों पर खड़े हुए हैं, वो मेन स्ट्रीम में आए काम करें तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। किसी ने कहा है कि समाज को नुकसान बुरों की बुराई से नहीं पहुँचता, अच्छों की खामोशी से पहुँचता है। उम्मत को ये खामोशी तोड़ना पड़ेगी, ये सुकून तोड़ना पड़ेगा, मैदान अमल में आकर अपने कामों को अंजाम देना पड़ेगा, तालीम के मैदान में, मईशत के मैदान में, सियासत के मैदान में, समाज के मैदान में, हर तरफ अपनी शनाख्त बनाना पड़ेगी, पहचान बनाना पड़ेगी, इस मुल्क को अपना वजूद तस्लीम कराना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह 10-20 साल के बाद कोई तब्दीली इंकलाब आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी उम्मत को हम गौर व फिक्र करने के लिए मुतवज्जे कर रहे हैं। हम आए दिन शेर की नशिस्त लेते हैं, तबादला ख्याल रखते हैं, सवाल जवाब की नशिस्त रखते हैं कि इस मिल्लत को जो है इस गफलत से निकालने के लिए हम कितना कुछ और क्या कुछ कर सकते हैं। इस पर मिल्लत के दानिश्वर, मिल्लत के जिम्मेदार इस पर गौर व फिक्र करें और मिल्लत को ताकत पहुँचाए, कुव्वत पहुँचाए। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हमारी गफलत का अगर यही मामला रहा, हमारी तालीम भी, हमारा तालीम निज़ाम कमज़ोर रहा, हमारी मईशत कमज़ोर रही, हम सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पॉलिसी में इस्तेमाल होते रहे, हमारा इस्तेमाल होता रहा, यूज़ एंड थ्रू के जो है हिसाब से जो है हमारी सियासत रही, तो फिर जो है हम लोग बहुत हल्के गिने जाएंगे, हमको बहुत निगेटिव लिया जाएगा। तो हमारे विकार को भी बुलंद करना है, हमारी पहचान को भी बनाना है। इसके लिए उम्मत के जो कार्य करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, कुछ NGOs हैं, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, उनको मैदान में आना पड़ेगा। इसीलिए हम ये प्रोग्राम मुनक़द करते हैं, उनको मुतवज्जे करने के लिए, उनको इन कामों पर लगाने के लिए, ताकि इनकी दुनिया भी कामयाब हो और उनकी आखिरत भी कामयाब हो और मिल्लत को भी सही रुख मिल सके और सही काम कर सके। तो ये सब चीज़ें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पेश नज़र हैं। हम अपने नौजवानों को जो हालात के तनाजुर में अच्छा एक्टिविस्ट बनाना चाहते हैं, उनको कानून का माहिरीन बनाना चाहते हैं, वो कानून की मालूमात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे वर्कशॉप मुनक़द करते हैं ताकि अगर पुलिस बिलावजह परेशान करे, इंतज़ामिया बिलावजह परेशान पर करे, तो उनको अपने राइट्स मालूम होना चाहिए, उनको अपने संवैधानिक हकूक मालूम होना चाहिए, उनको अपने दस्तूरी मालूमात होना चाहिए। तो इस शोबे के ज़रिए से ये मालूमात भी उनको फराहम की जाती है, वर्कशॉप भी मुनक़द किए जाते हैं ताकि अपने नौजवानों के अंदर जो है जज्बा पैदा हो खिदमत करने का और वो कानून के मामले में महारत हासिल करें, वो सोशल एक्टिविस्ट बन सके, वो लीगल एक्टिविस्ट बन सके और जो है वो तमाम मसाइल जो परेशान किए होते हैं उसको फेस कर सके। तो ये अज़्म हौसले के साथ इंशाल्लाह हम मिल्लत को जोड़ना चाहते हैं, उम्मत को जोड़ना चाहते हैं, हमारा यही काम है और इंशाल्लाह हम मुसलसल इस काम को कर रहे हैं। हम दरख्वास्त करते हैं उम्मत से, हम अपील करते हैं कि आप उम्मत की भलाई के लिए, उसकी खैर के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए और जो है इस काम को लग कर कीजिए। तो इंशाल्लाह कल भी अल्लाह ने हमारी मदद किया था, आज भी मदद करेगा और इंशाल्लाह इसी से इनकलाब की नई सुबह नमदार होगी। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत देगा, हमारे इत्तेहाद को मजबूत करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के रसूल की सीरत से जुड़ जाएं, उसका मुताला करें और एक ज़िंदा काम होने की जो है शहादत पेश करें, उसकी एक अलामत बन जाएँ। तो इंशाल्लाह फिर दो दिन दूर नहीं है, हालात तब्दील होंगे, माहौल बदलेगा और अल्लाह ताला हमारी मदद इंशाल्लाह फरमाएगा।